प्रकृति मनुष्य के जीवन का मुख्य स्रोत है, लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से प्रकृति का ह्रास हुआ है और मनुष्यों ने अपने ही स्रोत को अंधाधुंध कटाई के द्वारा जिस प्रकार से वातावरण पैदा किया है, आज उसी का परिणाम कोरोना महामारी के रूप में पूरे विश्व के जगत को भोगना पड़ रहा है। पूरी दुनिया आज कृत्रिम ऑक्सीजन के पीछे भाग रही है, लेकिन जो मूल स्वरूप का ऑक्सीजन हमारे पेड़ पौधे पर्यावरण है, आज उन सभी चीज़ों का एक प्रकार से दोहन करके मनुष्य ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारकर बर्बाद कर दिया है। पूरी दुनिया कोरोना महामारी के कारण परेशान है और स्वयं इसका मनुष्य जिम्मेदार है। आइए ऑन द स्पॉट पर जानिए। नमस्कार, मैं शुभेंदु पंडित आप सभी को ऑन द स्पॉट डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि देश में कोरोना महामारी चल रही है और हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए। हम जिस जगह बैठे हैं वहाँ भी ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में आप देख सकते हैं कि पेड़ मौजूद है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस प्रकार से महामारी चल रही है उसमें वर्तमान में जो भी कृत्रिम ऑक्सीजन की लेकर के जो लाइनें लगी है, आज वह दिन देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस कृत्रिम ऑक्सीजन के पीछे लोग भाग रहे हैं उसका सबसे मुख्य कारण है कि आज हमारे बीच जो यह प्राकृतिक ऑक्सीजन है उनकी लगातार अंधाधुंध कटाई होना, जिस कारण से आज इस प्रकार की महामारी पूरे विश्व में पड़ रही है। पूरा पर्यावरण ह्रास के कारण महामारी मुख्य रूप से जड़ मानी जा रही है। आप देखेंगे कि शहर के जितने भी मकान बने हुए हैं उन लोगों में एक भी आप पेड़ पौधा नहीं देखेंगे। इसका मुख्य कारण है कि मनुष्य जो है भौतिक अवस्था में इतनी व्याकुल और अपने आप को सुसज्जित करने में लगती है, क्योंकि वो अपने आप को जो है प्राकृतिक अवस्थाओं से बेहद दूर जा रही है। और आज कारण है कि आज लोगों को कृत्रिम ऑक्सीजन के पीछे जो है दौड़ना पड़ रहा है। इसलिए इसका मुख्य कारण है कि शहर की जो आव हवा है वह पूर्ण रूप से प्रदूषित हो चुकी है। मनुष्य में अब शहरी मनुष्य की जो वातावरण शैली है उसमें इस प्रकार के वायरस से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है। तो हम लोगों को करना है कि जिस प्रकार से आप अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए घर में विभिन्न सजावट, एक से एक डेकोरेशन, पलंग, एसी, फ्रिज का उपयोग करते हैं, लेकिन जो मुख्य जीवन का सबसे मुख्य बिंदु है हवा, उनको प्रदूषण ना हो और वो स्वच्छ मिले, इसके लिए कम से कम अपने घरों में पेड़ लगाएं। क्योंकि आप कब तक कृत्रिम ऑक्सीजन के सहारे कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है, आपको प्राकृतिक ऑक्सीजन लेना ही पड़ेगा और बिना प्राकृतिक ऑक्सीजन के मनुष्य इस जीवन में जीवित नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार से ज़रूरत है कि कोरोना महामारी के टाइम में, जैसा कि पता है आप लोगों को कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में मनाए जाते हैं, और इस प्रकार के संकल्प लें कि 5 जून पर्यावरण दिवस को अपने घरों में एक पौधे लगाएं, जो कि हम लोगों के लिए एक प्राकृतिक ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में व्यवस्थित हो और हम लोगों को मिले। धन्यवाद।